नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल का हार्ट होता है उसका बैटरी। बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है और वो आगे जाके यूज होती है मोटर को चलाने के लिए। इस वीडियो में डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कौन सी दो टाइप्स की बैटरी इलेक्ट्रिक स्कूटर में यूज होती है और आपने कौन सी बैटरी वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करनी चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइज, पूरा डिटेल टेक्निकल वीडियो होने वाला है, बट आपके लिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो वो मैं 100% कोशिश कि आपको समझ में आ जाए। तो गाइस वीडियो एंड तक देखिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यस दोस्तों, तो मेजरली दो टाइप्स की केमिस्ट्री लिथियम आयन या कौन सी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में यूज होती है। पहला जो केमिस्ट्री वो है NMC। NMC क्या है? निकेल मैंगनीज कोबाल्ट। कोबाल्ट ये जो मटेरियल है ये थोड़ा कॉस्टली है, बट अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 80% निकेल, 10% मैंगनीज और 10% कोबाल्ट इस बैटरी में यूज होता है। और ये जो बैटरी बनती है वो सेल्स से बनती है। आपने पेंसिल सेल देखा है, उसी साइज के सेल्स होते हैं, वो सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके बैटरी का पैक बनता है। तो इसका जो नॉमिनल वोल्टेज होता है एक सेल का वो 3.7 वोल्ट होता है। तो सेल सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके हम बैटरी पैक बनाते हैं। दूसरा जो केमिस्ट्री है बहुत ही जबरदस्त है, टेस्ला मोटर्स इसको यूज करता है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जो इंडिया में है वो भी इसको यूज करती है, वो है LFP केमिस्ट्री। LFP क्या है? लिथियम फेरोफॉस्फेट। तो लिथियम फेरोफॉस्फेट में बहुत ही कम पैमाने पे लिथियम है, बट फॉस्फरस और आयरन, फेरो मतलब आयरन, ये करीबन सेम परसेंटेज में इसमें होते हैं। और इसका जो नॉमिनल बैटरी वोल्टेज है, सेल वोल्टेज सॉरी, वो 3.2 वोल्ट होता है। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट बट बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये जो अगला टर्म है इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी मतलब क्या होता है कि कितना एनर्जी पर किलोग्राम उस बैटरी में होगा। मतलब ये सीधा रिलेटेड है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के वेट से, ये सीधा रिलेटेड है कितने कम वेट में ज्यादा एनर्जी बैटरी दे सकती है उससे। तो स्पेसिफिक एनर्जी की बात की जाए तो NMC की स्पेसिफिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब कम वेट में वो ज्यादा एनर्जी दे सकता है एज कंपेयर टू LFP, वो ज्यादा है। LFP में थोड़ा स्पेसिफिक एनर्जी कम है। तो स्पेसिफिक एनर्जी का रिलेशन किससे है? स्पेसिफिक एनर्जी का रिलेशन रेंज से है। तो जितनी स्पेसिफिक एनर्जी ज्यादा उतना रेंज ज्यादा। तो रेंज के बारे में बात की जाए तो NMC बैटरी अच्छी है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सिलेक्शन में बाकी के भी पैरामीटर्स है, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है स्पेसिफिक पावर। स्पेसिफिक पावर मतलब क्या? कितनी पावर व्हीकल दे सकती है, वो बैटरी कितनी पावर दे सकती है पर किलोग्राम ऑफ वेट। तो स्पेसिफिक पावर LFP की ज्यादा है। LFP यहां पे स्ट्रेट अवे विनर है, उसकी स्पेसिफिक पावर ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा पावर दे सकता है शॉर्ट टाइम में। जैसे कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, वो जल्दी से चार्ज होता है, जल्दी से डिस्चार्ज होता है, बहुत कम टाइम में ज्यादा पावर दे सकता है। तो कैपेसिटर की जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज या स्पेसिफिक पावर है वो सबसे ज्यादा है, बट कैपेसिटर हम अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं यूज कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक पावर की बात की जाए तो LFP विनर है। आगे बहुत सारे लोगों को यह परेशानी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जल रही है, बहुत सारे लोगों को यह परेशानी है कि बैटरी क्यों जल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग क्यों लग रही है, क्या प्रॉब्लम है, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक देखिएगा। आगे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब जैसे मेरे पास अभी ये मोबाइल फोन है गाइस, ये सैमसंग का M21 मोबाइल फोन है। तो मोबाइल फोन की जो बैटरीज होती है करीबन हम ही मोबाइल फोन बदल देते हैं 3-4 सालों में, तो इसकी बैटरी 4-4.5 साल तक टिक सकती है। थोड़ा दिन ब दिन उसकी एनर्जी डेंसिटी कम होती जाती है, उसकी बैटरी लाइफ कम होती जाती है। तो वैसा लाइफ की बात की जाए तो NMC की लाइफ कम है। NMC की जो साइकल्स है, साइकिल मतलब क्या, कितने बार आप बैटरी चार्ज कर सकते हो और डिस्चार्ज कर सकते हो। तो NMC की जो लाइफ साइकिल है वो करीबन 800 से 1000 साइकल्स है। 800 से 1000 मतलब 800 बार चार्ज करके डिस्चार्ज कर सकते हो। वही LFP की अगर हम बात करें तो LFP के चार्जिंग साइकिल 1500 से 2000 है गाइज, 1500 से 2000। कुछ LFP बैटरीज तो 3000 साइकल्स तक देती है। तो हम ये देखें तो यहाँ पे जो LFP बैटरी है वो ज़्यादा साइकिल्स प्रोवाइड कर रही है, करीबन दुगने साइकिल्स प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी लाइफ ज़्यादा है। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसिडर करो कि आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर का रेंज है 100 किलोमीटर,
मतलब एक बार चार्ज करने के बाद वो आपको 100 किलोमीटर लेके जाता है। तो अगर उसमें एनएमसी बैटरी होगी, अगर उसमें एनएमसी बैटरी होगी तो उसको आप मिनिमम 800 बार चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हो, और एक बार चार्ज करने के बाद वो 100 किलोमीटर जाएगा स्कूटर। मतलब इसकी टोटल लाइफ जो है वो 80,000 किलोमीटर्स है। समझ में आ रहा है? एक चार्ज में 100 किलोमीटर, 800 बार चार्ज डिस्चार्ज किया तो 80,000 हो जाएगा। तो एनएमसी बैटरी जो है उसका मैंने इजी करके बताया। अभी एलएफपी का देखते हैं। एलएफपी जो बैटरी है उसका मिनिमम है 1500 बार उसको आप चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हो, और अगर आपको वो 100 किलोमीटर का रेंज देता है, एक बार चार्ज करने के बाद अगर 100 किलोमीटर का रेंज देता है, तो एनएमसी बैटरी से आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर करीबन कितना 1.5 लाख किलोमीटर जा सकती है। 1500 इंटू 100। सो यू कैन सी गाइज, यहाँ पे सीधा समझ में आ रहा है लाइफ स्पैन जो है वो एलएफपी का बहुत ज्यादा है, इसलिए टेस्ला मोटर्स एलएफपी यूज कर रहा है। बाकी भी कुछ रीजंस है एलएफपी के साथ जाने के लिए, वो है सेफ्टी। गाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करो तो आप बॉम्ब पे बैठे हो, आपके पिछवाड़े के नीचे बॉम्ब है, लिटरली बॉम्ब है। तो उसकी अगर सेफ्टी नहीं है, वो जल गया, वो फूट गया, तो आपकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। तो सेफ्टी के बारे में जान लो। एनएमसी इज लेस सेफर, क्योंकि एलएमसी का जो थर्मल रनअवे है, निकेल मैंगनीज कोबाल्ट बैटरी का जो थर्मल रनअवे है, वो करीबन 150 डिग्री के आसपास हो जाता है, ओके? और एलएफपी का जो है वो करीबन 250 डिग्री के बाद में होता है। तो जो एनएमसी बैटरी है इसमें थर्मल रनअवे थ्रेशोल्ड जो है वो कम है, और एनएमसी की बात अगर मैं करूं तो उसमें आग लगती है, एनएमसी बैटरी में आग लगती है, एलएफपी बैटरी में फ्यूम्स आते हैं। तो लिटरली आपने भी वीडियो देखा होगा, एक ओकिनावा की गाड़ी जली थी, उस बंदे ने क्या किया, उस जो बूट स्पेस है उधर से बैटरी निकाला, उसमें से फ्यूम निकल रहे थे, उसने से बैटरी निकाला, बैटरी बाजू में रख दिया, तो उसके गाड़ी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि एलएफपी जब जलती है तो फ्यूम्स निकलते हैं, एनएमसी जब जलती है तो फायर हो जाता है, झुकूंगा नहीं, ओके? तो एनएमसी जो है इससे फायर होती है, एलएफपी जो है उसमें फ्यूम्स आते हैं। तो ज्यादा सेफर कौन सी है? एलएफपी। इसलिए बहुत सारे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स अभी एलएफपी की तरफ जा रहे हैं। जैसे ओला का अभी स्टेटमेंट आया, वो सोच रहे हैं, उनकी अभी एनएमसी केमिस्ट्री है, वो सोच रहे हैं कि वो एलएफपी पे जाए, क्योंकि एलएफपी ज्यादा सेफर है। आगे जाके बात कर रीसाइक्लिंग, गाइज एक रिक्वेस्ट है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बहुत रिसर्च किया है गाइज, बहुत टाइम स्पेंड किया है आपके लिए, मैं इन वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ये पता चलना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बैटरी केमिस्ट्री यूज होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, आपने कौन सी चूज करनी चाहिए, और आपको अंत तक समझ में भी जाएगा कि कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपने खरीदनी चाहिए, उसमें कौन सी बैटरी केमिस्ट्री कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर में। तो रिसाइक्लिंग की बात की जाए गाइज, बहुत सारे लोग यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे। रिसाइक्लिंग क्या है? जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैं जो पेन है अगर ये प्लास्टिक का बना है तो रिसाइक्लिंग ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है, कर सकता हूं मैं इसका कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाऊंगा, बट अगर मैं मेरा जो पेन है वो फॉर एग्जांपल लकड़ी से बना है तो वो बायोडिग्रेडेबल है, वो नेचर को कुछ हार्म नहीं करने वाला। वैसे बैटरीज भी बहुत डेंजरस है, एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल से बैटरी आप फेंक दो तो वो रिसाइकल होगी या नहीं होगी। तो ज्यादा अच्छी तरीके से रिसाइकलिंग एलएफपी का हो सकता है, क्योंकि उसमें कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है रिसाइकलिंग के लिए। तो रिसाइकलिंग एनएमसी की डिफिकल्ट है, एलएफपी की इजी है। तो नेचर फ्रेंडली भी एलएफपी है गाइज, एलएफपी बहुत ज्यादा पॉइंट्स ले रही है, ज्यादा स्पेसिफिक पावर है, ज्यादा लाइफ स्पैन है, उसके बाद में सेफ्टी भी ज्यादा है, और गाइज रिसाइकलिंग भी इजी है। और अभी बात करें कॉस्ट की, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात करें कॉस्ट की गाइज, यहां पे भी एलएफपी धीरे धीरे विनर हो रहा है। अभी ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में, एलएफपी की प्राइस थोड़ी सी कम है एनएमसी से, सो एनएमसी इज लिटिल बिट हाइयर प्राइस देन एलएफपी। तो यहां पे भी विनर बन रहा है एलएफपी बैटरी। तो अभी मैं आपको बोलने वाला हूं कि कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल है जो एनएमसी के साथ जाती है और जो एलएफपी के साथ जाती है। अगर मैं एनएमसी की बात करूं तो मुझे अभी ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अगर 100 किलोमीटर का रेंज है, 800 साइकिल एनएमसी बैटरी चलती है, मतलब वो कंप्लीट आपको 80,000 किलोमीटर का लाइफ देगी।
और अगर सेम कैपेसिटी की एलएफपी बैटरी लेते हो तो उसमें वो 1500 साइकिल चलेगी, तो एक साइकिल में 100 किलोमीटर जाती है, मतलब 1500 इंटू 100 अगर आप करोगे तो 1.5 लाख किलोमीटर की लाइफ आपको एलएफपी देती है, तो एलएफपी वे बेटर है। अभी बात करें गाइस कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर में एलएफपी है, कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर में एनएमसी है, तो गाइज एथर, ओकिनावा, हीरो इलेक्ट्रिक, ये जो मेजर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है ये तीन, इनमें एलएफपी बैटरी है, इनमें एलएफपी बैटरी है। अगर मैं बात करूं ओला, अगर मैं बात करूं बजाज चेतक, अगर मैं बात करूं और क्या है पता है आपको टीवीएस, तो इनमें है एनएमसी, इन तीनों में है एलएफपी और इन तीनों में है एनएमसी। और बाकी के इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मेजरली सेल आउट होने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अगर मैं प्योर ईवी की बात करूं, प्योर ईवी में भी एनएमसी बैटरी है, एनएमसी बैटरी जलती है, एलएफपी बैटरी में फ्यूम्स आते हैं। आपने जहां जहां पे जलना देखा है, जलना, तो वहां पे एनएमसी केमिस्ट्री है, ये आप समझ लो। क्योंकि क्या है, ओकिनावा के पहले कुछ स्कूटर्स में एनएमसी बैटरी थी, हीरो के पहले कुछ स्कूटर्स में एनएमसी बैटरी थी, बट उन्होंने पढ़ाई किया, उनको पता चला एलएफपी अच्छा है, तो वो एलएफपी पे शिफ्ट हो गए। अपना जो बाप है टेस्ला, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाप जो है टेस्ला, वो एलएफपी यूज करता है। बहुत सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, फोर्ड भी अभी सोच रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना, वो भी एलएफपी यूज करेगा। तो गाइज यहां पर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कौन सी दो बैटरी केमिस्ट्री है, कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको ज्यादा सेफ्टी चाहिए, थोड़ा परफॉर्मेंस शायद कम मिले आपको, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी वो एनएमसी की अच्छा है, मतलब एनएमसी बैटरी वाली स्कूटर्स आपको रेंज ज्यादा देगी। गाइज एनर्जी डेंसिटी इज रिलेटेड टू रेंज एंड स्पेसिफिक पावर, मतलब स्पेसिफिक एनर्जी है एनर्जी डेंसिटी, और जो स्पेसिफिक पावर है इट इज रिलेटेड टू टॉर्क एक्सेलरेशन। तो आपको ज्यादा बैलेंस आउट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी स्कूटर आपको लेनी है। ज्यादा रेंज वाली जो होगी उसमें मेनली एनएमसी होगी, जैसे ओला में एनएमसी बैटरी है, और ये जो बजाज और टीवीएस है इनका क्या प्रॉब्लम है गाइस, अभी अभी इन्होंने BS6 पे काम किया है, अभी अभी इंडिया में BS6 आया, तो उन्होंने प्लेटफॉर्म BS6 के बनाए, BS6 का उनका मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो एग्रेसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं लेके आ रहे, बजाज हो टीवीएस हो, तो इनको टाइम लगेगा। हीरो की बात करें तो हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो मोटो को आपका कुछ रिलेशन नहीं है, तो हीरो इलेक्ट्रिक बहुत सालों से इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रहा है, पहले वो एनएमसी बेच रहा था, अभी वो एलएफपी के साथ आ रहा है। तो गाइस आई होप आपको पता चल गया कि कौन सी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होती है, एनएमसी के क्या एडवांटेजेस है, एलएफपी के क्या एडवांटेजेस है, वो कैसा बनता है बैटरी पैक, और कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर सेफ रहेगी, रिसाइकलिंग में मदद करेगी, ज्यादा लाइफ देगी, ये भी आपको पता चल गया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।